प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा में लेटर बम मचा है, जिससे सियासी बवाल आया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का 22 साल पुराना लेटर वायरल हो रहा है। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के समय इस्तीफा देने का पत्र वायरल हुआ है। लेटर वायरल होने के बाद बीजेपी में खलबली मची हुई है। पूनिया ने पार्टी के दिग्गज नेताओं पर उस समय आरोप लगाया था। पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, दिग्गज नेता हरिशंकर बाबड़ा, ललित किशोर चतुर्वेदी पर आरोप लगाया था। पीठ में छुरा घोंपने का आरोप यहां पर लगाया गया था। राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कसवा को भस्मासुर बताया था। सतीश पूनिया ने 1999 में युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। वायरल लेटर को सतीश पूनिया ने षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि 1999 में मैंने लेटर में क्या लिखा मुझे याद नहीं, लेकिन इसे अब सामने लाना सियासी षड्यंत्र है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरुका। पिंटू सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का 22 साल पुराना लेटर अब वायरल हो रहा है और बवाल मचा हुआ है, क्या अपडेट? देखिए आशीष, बीजेपी में ये जो वायरल लेटर बम की सियासत बहुत पुरानी है और कई बार लेटर बम को लेकर बीजेपी में बवाल मचता है, लेकिन इस बार जो एक वायरल हो रहा है एक लेटर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का, जो 22 साल पुराना ये लेटर बताया जा रहा है, जब बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे सतीश पूनिया, वो लेटर इस दौरान वायरल हो रहा है। और उस लेटर में साफ तौर पर जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, हरिशंकर बाबड़ा, ललित किशोर चतुर्वेदी, उन पर आरोप लगाया था उस लेटर में पीठ पे छुरा घोंपने का। गुलाब चंद कटारिया प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के और ये युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे सतीश पूनिया, इन्होंने उस वक्त लेटर लिखा था। विधानसभा का टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई थी और इन पर जो पार्टी के कद्दावर नेता हैं, इन पर पीठ पर छुरा घोंपने का आरोप लगाया था और चूरू से टिकट मांग रहे थे। बेसिकली सतीश पूनिया चूरू से ही आते हैं और उस दौरान टिकट नहीं मिलने पर इन्होंने आरोप लगाया था अपनी पार्टी के कद्दावर नेताओं पर कि मेरे साथ गलत किया गया, मेरे को टिकट नहीं दिया गया, उसी को संबंध में लेटर लिखा था और इन्होंने इस्तीफा दिया था युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे और साफ तौर पर सीधे तौर पर आड़े हाथों लिए थे तीनों दिग्गज नेताओं को। और राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कसवा जो चूरू के कद्दावर नेता है, इनको भस्मासुर बताया था कि ये पार्टी के खिलाफ लोग हैं और इनको ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। वो लेटर इस दौरान वायरल हो रहा है, किस प्रकार से ये वायरल हुआ है, क्यों वायरल हुआ है, लेकिन मौजूदा जो बीजेपी में सियासत चल रही है, क्योंकि उस वक्त बीजेपी में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दिया था और सतीश पूनिया की खोज कोई पार्टी में कुछ खास ज्यादा जो कद्दावर वाली स्थिति नहीं थी, लेकिन आज बीजेपी के जो पार्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट पर सतीश पूनिया बैठे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजस्थान में बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं और इस दौरान ये वायरल होता है। और एक दूसरी तरफ बीजेपी में एक अलग राह छिड़ी हुई है, जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक है, उन्होंने जो पिछले कुछ दिनों में जो बयान दिए और उन बयान देने के बाद में जो समर्थक थे वसुंधरा राजे के, उनको जिस प्रकार के नोटिस दिए जा रहे हैं, कार्रवाई के नोटिस दिए जा रहे हैं, अनुशासनात्मक हीनता के आरोप उन पर लग रहे हैं और अनुशासनहीनता के उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, कारण बताओ नोटिस दिए जा रहे हैं। इसी दौरान ये वायरल होना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की अंदरूनी सियासत को, बीजेपी के राड को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और कहीं ना कहीं जो एक तरफ जो मौजूदा जो नेता है उन पर बयानबाजी को लेकर कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरा जो धड़ा है, पार्टी का जो दूसरा धड़ा है जो अलग थलग चल रहा है या जो खेमों में बटी है, वो कहीं ना कहीं अब हमलावर है और साफ तौर पर ये एक बड़ी बीजेपी में एक नई राह चिढ़ गई है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का उनका बयान भी आया है और उन्होंने कहा कि ये बहुत पुरानी बात है, उनको कुछ ज्यादा याद नहीं है उन्होंने क्या लिखा था क्या नहीं लिखा, लेकिन इस समय ये लेटर वायरल होना कहीं ना कहीं सियासी षड्यंत्र है। और अभी थोड़ी देर पहले भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए एक तंज करते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं लिखा है। तो साफ तौर पर आदेश, क्योंकि कांग्रेस का तो कोई मामला है नहीं और निश्चित तौर पर बीजेपी की सियासत का मामला है, तो ये जो तंज इन्होंने कहा है कि 22 वर्ष पुराना पत्थर इस समय जारी होना अजब सियासत की गजब कहानी है, ये ट्वीट अभी सतीश पूनिया ने कहा है। और उन्होंने कहा कि मैं तब भी कार्यकर्ता के साथ था और आज भी कार्यकर्ता के प्रतिनिधि के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ, पार्टी के मंच पर मैंने ये बात कही थी और उसके बावजूद आज नेतृत्व ने मुझे जो बड़े महत्वपूर्ण दायित्व दिया है मैं उसको निष्ठा के साथ निर्वहन कर रहा हूँ। तो कहीं जो पत्र है इसको स्वीकार भी कर रहे हैं, वो इसको सिरे से खारिज नहीं कर रहे हैं कि ये लेटर फर्जी है या कुछ और है, वो इसको स्वीकार भी कर रहे हैं।
और वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने पार्टी मंच पर उस समय में अपनी पार्टी फोरम पर अपनी बात उठाई थी, पार्टी के मैंने पार्टी या मीडिया में किसी प्रकार की बयानबाजी नहीं की। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सियासत एक बार फिर इस वायरल लेटर के प्रकरण में फंस गई है और बीजेपी गुटबाजी के चरम स्तर पर नजर आ रही है। जी जी बिल्कुल, जिस प्रकार से सतीश पूनिया ने भी कहा है कि ये सियासी षड्यंत्र है, तो कहीं ना कहीं भीतरघात पार्टी में जिस प्रकार से गुटबाजी की बातें आरोप लगाए जा रहे थे, तो प्रमाणित होते नजर आ रहे हैं कि वाकई में बीजेपी में गुटबाजी है और वो एक्सपोज होती नजर आ रही है। देखिए आशीष, निश्चित तौर पर क्योंकि सियासी षड्यंत्र इसमें कांग्रेस का तो कोई निशाना है ही नहीं। अगर कांग्रेस पर बोलना होता तो सतीश पूनिया खुलकर विपक्ष पर आरोप लगाते कि विपक्ष की साजिश है। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति बीजेपी में पिछले कुछ दिनों से चल रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, वसुंधरा राजे के जो समर्थक नेता है वो साफ तौर पर प्रदेश नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उधर उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, इसी दौरान ये लेटर आता है, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अपने ही नेताओं में अब आपसी बयानबाजी में और इस कदर उलझ चुकी है बीजेपी की अब स्थिति बहुत ज्यादा चरम पर पहुंच गई है। क्योंकि सतीश पूनिया पर इस प्रकार के सवाल खड़े होना, सतीश पूनिया को जो दूसरा टेमा है वो इस वक्त की वायरल लेटर करना कि आपने भी अनुशासनात्मक हिंसा की थी, पार्टी के जो कद्दावर नेता थे उन पर आरोप लगाए थे, राजेंद्र राठौर मौजूदा उप नेता प्रतिपक्ष है उनको भस्मासुर उस समय कहा था, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में राजनीति और ज्यादा उलझ सकती है और बीजेपी में अब कहीं ना कहीं आलाकमान इसको किस प्रकार से लेता है। लेकिन सबसे बड़ी बात इनकी सतीश पूनिया इसको स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ये लेटर लिखा था, लेकिन अब इसको वायरल करना सियासत की गजब कहानी वाली स्थिति है। तो सतीश पूनिया इसको स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैंने एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के मंच पर यह बात कही थी। लेकिन क्या पार्टी के नेताओं को भस्मासुर कहना, इसको यूं स्वीकार करना, इसके कई मायने हैं, किस प्रकार से निकाले जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि अब बीजेपी की जो ये अंदरूनी राह है ये कब थमेगी या और ज्यादा बढ़ेगी। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरुका, जिन्होंने बताया कि बीजेपी में लेटर बम के बाद बवाल मचा हुआ है, सियासी षड्यंत्र से बताया जा रहा है। तो वहीं सतीश पूनिया ने कहा कि 22 साल बाद अब इस लेटर को वायरल किया जा रहा है।